Madon. Fate Madon. Kar denge, kar denge. हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए। तो टीम इंडिया ने श्रीलंका की सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिए हैं और कुछ बड़े फैसले हमें देखने को मिले हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला सामने आया है कि T20I स्क्वाड की बात करें तो सूर्य कुमार यादव को कप्तानी मिल चुकी है। और उससे पहले अगर आपको बता दूं कि हार्दिक पांड्या थे जिनको वाइस कैप्टनसी मिली थी अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें, लेकिन जैसे ही हम देख रहे हैं कि गौतम गंभीर एज ए हेड कोच आए हैं, उनके तुरंत ही सबसे बड़ा फैसला है जो कि रिपोर्ट्स में काफी टाइम से चल रहा था कि सूर्य कुमार यादव या हार्दिक पांड्या किसको कप्तानी मिलेगी, जिसमें मोस्टली चांसेस थे कि सूर्य कुमार यादव को कप्तानी मिल सकती है। और उसका पीछे सबसे बड़ा रीजन बताया गया था वो था वर्कलोड, कि वर्कलोड मैनेजमेंट देखना था, क्योंकि हार्दिक पांड्या हमने देखा है कि इंजरी प्रोन प्लेयर है और मोस्टली टाइम्स होता है कि वो इंजर्ड रहता है। तो इसलिए सूर्य कुमार यादव को हमने देखा है पिछले दो सीरीज में, कि साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में बात करें तो जब इंडिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका हुआ था उसमें भी सूर्य कुमार यादव ने ही कप्तानी की थी। और अगर हम बात करें एक और बड़ा फैसला में ओडीआई स्क्वाड में देखने को मिला है कि केएल राहुल, जो कि बहुत टाइम से इंडियन टीम से बाहर चल रहे थे, उनकी भी वापसी हो चुकी है। और इस तरफ देखें तो ऋषभ पंत के आने के बाद लग रहा था कि केएल राहुल को बहुत कम मौके मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ श्रेयस अय्यर, जो कि हमें पता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान है और गौतम गंभीर मेंटर रह चुके हैं, तो उनकी वापसी होनी थी। श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ये नाम आ चुके हैं दोनों ही स्क्वाड में। आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से ओवरऑल स्क्वाड अनाउंस हुई है T20I। और हम बात करें ओडीआई सीरीज के लिए, जिसमें मोस्टली जो बड़े प्लेयर है उसमें जसप्रीत बुमराह एक ऐसा नाम है जो वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से काफी टाइम से हमने देखा था कि लगातार खेल रहे थे, तो अब उनको आराम दिया गया इस सीरीज से भी। और इससे पिछली सीरीज जो कि जिम्बाब्वे से थी उसमें भी आराम था, तो T20 वर्ल्ड कप के बाद दो सीरीजों में जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है, क्योंकि हमें पता है कि अभी बड़ी एक सीरीज जो कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नवंबर लास्ट में आने वाली है, उसके लिए हम चाहेंगे कि जसप्रीत बुमराह इंजर्ड ना रहे, तो मोस्टली उनका वर्कलोड मैनेजमेंट इस तरीके से चल रहा है। और T20 स्क्वाड के बारे में बता दें तो सूर्य कुमार यादव कप्तान रहेंगे, जिसमें शुभमन गिल वाइस कैप्टन। ये भी एक बड़ा डिसीजन है कि हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टनसी भी नहीं मिली है। और ओवरऑल जो आप अगर हम बात करें कैप्टनसी और जो मैनेजमेंट का ये कॉल रहा है कि सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल, जो कि शुभमन गिल के बारे में हमने देखा था कि इंडिया टूर ऑफ जिम्बाब्वे में भी उन्होंने कैप्टनसी की थी, तो उनको वाइस कैप्टन बनाया गया है। यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत, संजू सैमसंग। तो इस बार अगर हम विकेट कीपर देखें तो दो ऑप्शन है हमारे पास, ऋषभ पंत और साथ ही साथ संजू सैमसंग, फिर हार्दिक पांडे, शिवम दुबे, जो कि दो ऑलराउंडर है हमारे पास अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मीडियम पेस ऑलराउंडर्स की। और उसके बाद है फिर अक्षर पटेल, जिन्होंने पिछली बार अच्छा परफॉर्म किया था, वॉशिंगटन सुंदर इंडिया टूर ऑफ जिम्बाब्वे में प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और चहल, जिनको T20 वर्ल्ड कप में भी उनका हमने देखा था कि मैच नहीं खेले थे, स्क्वाड में जरूर उनका नाम था, लेकिन अब उनको फिर से बाहर कर दिया गया है। और उसके साथ साथ आप देखें तो अर्शदीप सिंह है हमारे पास फास्ट बॉलर में, खलील अहमद और मोहम्मद सिराज। आवेश खान भी एक नाम नहीं है जो कि लग रहा था कि शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आवेश खान को हमने देखा है कि T20I अगर हम वर्ल्ड कप के स्क्वाड में करें तो उनको रिजर्व में रखा गया था। और डेथ बॉलिंग में जो ऑप्शन आवेश खान देते हैं वो काफी ज्यादा क्रूशियल रोल कर सकता था अगर 2026 के हम T20 वर्ल्ड कप को देखें, तो उनका भी नाम नहीं है। और साथ ही साथ मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। और यही आप अगर हम ओडीआई स्क्वाड की बात करें तो ये माना भी जा रहा था कि गौतम गंभीर का कहना था कि जितने भी प्लेयर्स हैं उनको आराम अभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो कि अगले साल पाकिस्तान में, अभी इंडिया के मैचेस फिक्स होने की नहीं उस पर अभी भी सवाल है, लेकिन उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सिर्फ यही वनडे आपको खेलने का मौका मिलेगा, तो इसलिए रोहित शर्मा को ही कप्तानी मिली और सूर्य कुमार यादव इस टीम में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ये एक शॉकिंग है, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप में हमें देखा था कि सूर्य कुमार यादव थे, लेकिन गौतम गंभीर अभी चाहते हैं कि सूर्य कुमार यादव सिर्फ T20 पे फोकस करें। और इसमें अगर हम बात करें तो शुभमन गिल को ही वाइस कैप्टनसी मिली है, तो यहाँ पर भी हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टनसी से दोनों ही अगर हम देखें ओडीआई और T20 वाइट बॉल क्रिकेट दोनों से ही बाहर कर दिया गया है। जो कैप्टनसी अगर हम लीडरशिप रोल की अगर हम बात करें तो उसके बाद विराट कोहली, केएल राहुल इस बार शामिल हुए, ऋषभ पंत फिर से अब उनकी ओडीआई स्क्वाड में अब वापसी होगी है। T20 में हमने देखा उनकी कितना शानदार कमबैक था 1.5 साल की इंजरी के बाद, तो उस तरीके के अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऋषभ पंत ओडीआई में भी वैसे ही परफॉर्म करें। उसके साथ साथ हम बात करें तो शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, तो मोस्ट लाइकली वही प्लेयर्स हैं जो हमें
टी20 में देखने को मिलेंगे, वैसी टीम हमें इसमें दिख रही है। बस कुछ चेंजेस है, जिस तरीके से केएल राहुल आए हैं और उसके साथ साथ रोहित शर्मा, विराट कोहली जिन्होंने टी20 से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था, तो वो इस टीम में आपको शामिल दिख रहे हैं। जडेजा, ये भी एक बड़ा सवाल है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट से क्या जडेजा बिल्कुल गायब है, क्योंकि इस स्क्वाड में भी जडेजा का नाम नहीं है, तो क्या सिर्फ वो अब टेस्ट ही खेलेंगे, वो भी अब देखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अर्शदीप सिंह है, रियान पराग, उनको अब ओडीआई के लिए भी डेब्यू करने का मौका मिल सकता है अगर 3 मैचेस की अगर हम बात करें तो उसमें। फिर अक्षर पटेल है, खलील अहमद और हर्षित राणा, जिन्होंने टी20 में अच्छा किया था लेकिन उनको रिवॉर्ड मिल रहा है ओडीआई में, तो हर्षित राणा का भी नाम शामिल हुआ है अगर हम बात कर रहे हैं तो। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो अगर जो आपके सवाल है वो भी अभी हम देख लेते हैं। अभिमन्यु का पूछना है अभिषेक शर्मा जी, एक और नाम जो कि काफी ज्यादा अभी चर्चा में था अभिषेक शर्मा, उनका भी नाम अभी शामिल नहीं है, तो ये भी एक सवाल था क्योंकि जिम्बाब्वे टूर में भी हमने देखा कि दूसरे ही मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई थी और एक अच्छा ऑलराउंडर ऑप्शन है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप कॉम्बिनेशन देखें टी20 का, एक बार हम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कि उसमें उनकी जगह बनती थी कि नहीं बनती थी, क्योंकि आप देखें सूर्य कुमार यादव जो कि जिम्बाब्वे टूर में नहीं थे उनकी वापसी हुई है, साथ ही साथ में अगर आप देखें हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है, तो दो और ऋषभ पंत, तीन ये प्लेयर्स जो कि टीम में नहीं थे शामिल, अब उनकी वापसी हुई है। और हमने देखा है कि ऋतुराज गायकवाड भी नहीं है, उन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, तो दो प्लेयर्स हैं जिनको अभी मौका नहीं मिला है। और मोस्टली ये है कि यशस्वी जायसवाल और साथ ही साथ शुभमन गिल को हमें ओपनिंग में देखना चाहते हैं, तो उस नजर से देखें तो फिर इसलिए मौका मिलना मुश्किल था, क्योंकि हमने जैसे ही देखा था कि ऋतुराज गायकवाड और साथ में अभिषेक शर्मा है, तो फिर आपको कॉम्बिनेशन बनाने में मुश्किल होती है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव हो सकता है मोस्ट लाइकली कि अब नंबर तीन या नंबर चार खेले, क्योंकि ऋषभ पंत को भी हमने देखा कि टी20 वर्ल्ड कप में मौका मिला था उनको नंबर तीन खेलने का, तो हो सकता है इस बार भी ऐसे ही रहे। और फिर आपको पांचवे नंबर पर रिंकू सिंह और शिवम दुबे, ये दो प्लेयर्स हो सकते हैं, और फिर आपको अक्षर पटेल, तो ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन टीम इंडिया बना सकती है, तो उस पर अभिषेक शर्मा को मौका मिलना मुश्किल था। स्क्वाड में अगर देखें तो कोई एक जगह ऐसी खाली भी नहीं दिख रही है, क्योंकि रियान पराग मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, तो फिर कोई भी अगर प्लेयर मिडल ऑर्डर में अगर इंजर्ड होता है तो वो खेलने आ सकते हैं, तो एक रियान पराग के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर अभिषेक शर्मा को मौका मिलता, तो एक ही जगह खाली थी, वो थी रियान पराग या अभिषेक शर्मा, तो इस बार रियान पराग पर भरोसा जताया गया है। वहीं ओडीआई स्क्वाड की बात करें तो वहां पर भी अभिषेक शर्मा अभी तक हमें उस तरीके से परफॉर्म करने में भी रियान पराग को ही अपर हैंड दिया गया है, क्योंकि उनको मौका मिलना इसलिए भी जरूरी था कि थोड़ा बीच में आपको मिडल ऑर्डर बैट्समैन एक राइट ही बैट्समैन चाहिए, क्योंकि लेफ्टी बैट्समैन काफी ज्यादा हो रहे थे अगर हम बात करें टी20 स्क्वाड की। लेकिन ओडीआई स्क्वाड में आपको थोड़ा उल्टा देखने को मिलता है कि यहाँ पर मोस्टली प्लेयर्स राइट हैंडेड बैट्समैन ही है, जिसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सिर्फ एक ऋषभ पंत ही एक ऐसे बैट्समैन जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, बाकी आपके स्क्वाड में मोस्टली प्लेयर्स वही हैं जो राइट हैंडेड बैट्समैन है, तो यहाँ पर जरूर अभिषेक शर्मा को मौका मिल सकता था, लेकिन यहाँ पर भी हमें देखने को मिला कि रियान पराग को मौका दिया गया। हाँ, अभिमन्यु का कहना है प्लेयर अच्छा या खराब नहीं होता, बस फॉर्म ओरिएंटेड होते हैं जी, लेकिन अगर हम एक्सपीरियंस प्लेयर्स को देखें तो वो ज्यादा उन पर निगाहें ज्यादा जमाई गई अभी गौतम गंभीर की तरफ से, और उनका ये मानना भी था कि मोस्टली विराट कोहली और जो कि अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, अभी तक टी20 वर्ल्ड कप के बाद होता था कि बड़े टूर्नामेंट से पहले वो अगर हम देखें तो ब्रेक ले लेते थे, लेकिन गौतम गंभीर का ऐसा नहीं मानना है, उनको वो चाहते हैं कि ओडीआई जो कि अभी सिर्फ तीन ही हमें खेलने को मिलेंगे, तो उन तीन टी20 अगर हम ओडीआई की बात करें तो उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही हमें खेलने को देखने को मिलने वाले हैं अगर हम श्रीलंका की सीरीज के देखें, क्योंकि उसके बाद सीधे चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। और पति मारक का कहना है आई हेट गौतम गंभीर, तो अभी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हमें हेटरेट देना चाहिए, वो अब उनका भी पहले ही डिसीजन है, जिसमें ओडीआई स्क्वाड और टी20 स्क्वाड में उन्होंने एक दो डिसीजन हम कहेंगे कि बड़े लिए हैं, जिसमें एक है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा हमें खेलने को देखने को मिलेंगे, और दूसरा अगर हम बात करें कि सूर्य कुमार यादव को कप्तानी, जो कि अभी तक माना जा रहा था कि रोहित शर्मा के जाने के बाद मोस्टली चांसेस थे कि हार्दिक पांड्या कप्तान रहेंगे, उनसे पहले सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाना, और अगर हम और डिसीजन में इसमें देखें तो सूर्य कुमार यादव के अलावा ऑप्शन जो थे जसप्रीत बुमराह भी थे, वो भी काफी एक्सपीरियंस है और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे थे टी20 वर्ल्ड कप में, तो उनका नाम नहीं आना, दो शॉकिंग डिसीजन हमें देखने को मिले। तो आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया की स्क्वाड ओडीआई और टी20 में कौन से बदलाव होने चाहिए थे, कौन से प्लेयर्स आपको लगता है जिनको नहीं शामिल किया गया, और क्या आप इस डिसीजन से खुश हैं,
हाँ या ना, मैं हमें जरूर जवाब दें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर हम अगले डिस्कशन में ये चीजें लेके आएंगे, किस तरीके से ओवरऑल स्क्वाड दिख रही है। अगर हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो होनी है उसके लिए ओडीआई, और T20 अगर हम वर्ल्ड कप 2026 पर किस तरीके से जो अपना रोड मैप में टीम इंडिया कौन से प्लेयर्स हैं जो कॉम्बिनेशन में बैठ सकते हैं, तो ये इस पर आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन बताएं। आपको हमारा ये लाइव सेशन पसंद आया तो फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए डीएनए को, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग डीएनए।